हाय, मैं राजीव सर। कहते हैं जब तक गर्मी न लगे, जब तक प्यास न लगे और जब तक भूख न लगे, और तब तक हम किसी चीज़ को हम पा नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या है, काम करने में जब तक आपके हाथ पैर शरीर से जब तक पसीना ना आवे और भूख ना लगे बाबू किसी काम में करने से पहले, तब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये हम क्या दुनिया का हर इंसान बोल सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सफल होने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप दो पहलू को चुनना है, क्यों आराम से जीना है अभी कि ज़िंदगी भर आराम से जी कर नाम कमाना है। अगर अभी आराम से जीना चाहते हैं तो मत पढ़िए, पूरी तरह से इन्जॉय कीजिए और मोबाइल में लगे रहिए और खूब इन्जॉय कीजिए। अगर ज़िंदगी भर अपना नाम और पूरे आप जाने के बाद और आने के बाद और पूरे पूर्वज आपका इतिहास रचें या कुछ कहानी लगे कि हाँ ये लड़का कुछ है, ये लड़की है, तो करना कोशिश कीजिए और वो कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आपको लग रहा है कि हमको ये चीज़ पढ़ना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है। हमने कितने बार ये चर्चा किए हैं कि अगर पाने के लिए कुछ भी पाना हो तो पाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है बाबू, और हमने हमेशा चर्चा की है कि जिसके पास पेशेंस नहीं है वो सफल कभी नहीं हो सकते हैं। ये बात मानना ही पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा। इसलिए अभी कह रहे हैं कि अभी से ही लग जाइए, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि जब जागे तब सवेरा, और इसीलिए आपके पास वक्त ही वक्त है। इस वक्त को बदलने का क्षमता है, बदल दीजिए। नाम कमाने का समय कमा लीजिए, नहीं तो बस सोच कर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है और कुछ पाने के लिए नहीं है, और अभी वक्त नहीं है। सब कुछ करने का समय है, एक लिमिटेशन है, सब कुछ बात कीजिए कहाँ कीजिए, लेकिन अभी समय है, उसका पूरा यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि बाद में लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताने वाले हैं, क्योंकि अभी की दुनिया में क्या है, 18 से 25 या कोई भी साल का समय जो होता है वो बहुत मनमोल समय होता है, वो लाइफ में बढ़ने और बिगड़ने का होता है। ये 18 से 25 साल में अगर कुछ करना चाहेंगे, अगर आप कर लिए ना बाबू, तो आप सच में असफल पा लेंगे। अगर नहीं आप बस कुछ बातों में लग जाएंगे ना, तो बातों में उलझ जाएंगे, क्योंकि मीठी मीठी बातों करने वाला आपको उलझा देगा और कड़वे बात कभी आपको सुलझा देगा। मीठी मीठी बातों में उलझ जाएंगे और कड़वी बातों में आप बिल्कुल सुलझ जाएंगे। इसलिए हमेशा कीजिए, आपसे जो मीठी बातें कर रहा है आपसे बहुत प्रेम से नहीं दिखा रहा है, केवल अपने माता पिता को छोड़कर या अगर कोई पर्सन, तो समझिए कि आपसे बहुत बड़ा उसको चीज़ या कुछ पाना है। इसलिए अभी से नहीं अलर्ट हुए ना, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। खूब खुश रहिए, एनर्जी फुल रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मिशन बना के रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय।